साइबर से संबंधित अपराध के संबंध में कार्यशाला का आयोजन पुलिस लाइन सभागार में किया गया, जिसमें साइबर एक्सपर्ट रक्षित टंडन द्वारा पुलिस कर्मियों व्यापारियों को साइबर क्राइम की जानकारी दी गई। टंडन ने बताया कि सोशल मीडिया और इंटरनेट से साइबर क्राइम में इजाफा हुआ है, जिसको लेकर सरकार काफी गंभीर है। साइबर क्राइम को रोकने के लिए पुलिस विभाग को सतर्क रहना होगा। कार्यशाला में एसपी सिटी विनय कुमार सिंह, एसपी नॉर्थ रोहिन सिंह सहवान, एसपी क्राइम आलोक वर्मा, सीओ क्राइम प्रवीण कुमार सिंह सहित मीडिया सेल, क्राइम ब्रांच, साइबर सेल से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी गण मौजूद रहे। नमस्ते, मेरा नाम रक्षित है, रक्षित टंडन। मैं 18 साल से 2008 फरवरी में उत्तर प्रदेश पुलिस का सबसे पहला साइबर सेल रुका नहीं, फिर हमने 2009 में मुरादाबाद जाना शुरू किया अकेडमी, और वहाँ पे मैं प्रशिक्षण देता था अपने ऑफिसर्स को सारे इंडिया में, जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक। फिर गृह मंत्रालय ने मुझे अपना फैकल्टी बना लिया। 18 साल का तजुर्बा है साहब, और 22 लाख बच्चों से बात करी है, और यूरोप सरकार ने तो आई वाज अपॉइंटेड एज अ नॉन यूरोपियन एक्सपर्ट टू यूरोपियन कमीशन। मेरा मेन हार्ट कोर है पुलिस को ट्रेन करना। जो हम निकाला करते थे सीडीआर में, देखते थे कि भाई फोन की क्या लोकेशन है, किससे बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो मामला इसलिए खत्म हो गया कि सारा काम अब जीपीआरएस पे आ गया, मोबाइल डेटा कहते हैं इंटरनेट। अब हम पर डिटेल रिकॉर्ड सुबह से रात तक अपने फोन पे, तुमने कौन कौन सी वेबसाइट किस लोकेशन से खोली और कहां गए, ये सारी जानकारी आईपीडीआर में रखी जाती है। मुंबई पुलिस ने हमें साइबर गुरु का स्टेटस दिया था, जब उनके लिए हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्राइम में मदद करी थी, तो ये मेरी प्रोफाइल है साहब। मैं बताने की जरूरत नहीं है, हर 10 मिनट में एक साइबर क्राइम घटित हो रहा है। 2016 के आंकड़ों में एनसीईआरटी में यूपी नंबर 1 पे था। तो साइबर क्राइम का मतलब क्या हो गया, आईटी एक्ट की विवेचना, और आईटी एक्ट पे क्या क्या आ गया, हमारे यहाँ सिर्फ दो अपराध हो रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। पूरे उत्तर प्रदेश में आप कहीं चले जाओ, मैं हर साइबर सेल से छोटे शहर से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे पता है क्या हो रहा है हमारे यहाँ, सोशल मीडिया और बैंक और एटीएम फ्रॉड, बस तीसरी कोई खबर नहीं सुनूंगा आप। किसी की प्रोफाइल खराब करके डाल दी, किसी के बारे में कुछ गलत लिख दिया, गलत अफवाहें फैला दी। अभी आपको याद होगा थोड़े दिन पहले आगरा में इंटरनेट बंद करना पड़ा, हमें पाठक साहब ने अंडर 144 कमिश्नर से आदेश करा के इंटरनेट सेवाएं बंद कराई। कब, जब पहले दंगल हो जाता साहब, क्यों, वो इतना गलत सा वीडियो, उल्टे सीधे भयानक से वो धर्मों वाले जो होते, धर्म और भगवान वाले खराब कर करके फॉरवर्ड किए जा रहे थे, उससे क्या लग रही थी, आग लग रही थी, नहीं समझा, तो हमें इंटरनेट बंद करना पड़ा। तो और बैंक और एटीएम फ्रॉड, और वो कहीं रुक नहीं रहे, मतलब इतनी जागरूकता के बावजूद भी आज लोग फोन पे अपना ओटीपी बता देते, अनजान आदमी के हाथ में कार्ड दे देते और ईमेल पे धंधा करते हैं बिजनेस, और उनकी ईमेल हैक हो चुकी होती है। अभी उत्तर प्रदेश में व्यापारी की ईमेल, एक्सपोर्टर है बहुत बड़ा, उसने $60,000 की पेमेंट मांगी थी अपने बायर को, सिंपल मेल करी थी, उसकी मेल हैक हो गई, हैक करके उसके बायर को मेल में ये लिखा गया कि मेरा खाता बदल गया है, मेरा खाता अब SBI में नहीं, लंदन के बार्कले बैंक में है, कृपया मेरे $60,000 की पेमेंट कहाँ दे दो, लंदन दे दो। और ईमेल आईडी का लफ्ज बदल दिया, मेरी आईडी थी rakshittandon.com, हैकर ने बना दिया rakshittandon.com। एक बार अब ऐसा विदेश में, अब ये व्यापारी जो एक्सपोर्टर है ये मेरे यहाँ मुकदमा दर्ज कर रहा है, मेरी पुलिस के लिए चुनौती क्या है, लंदन कौन जाएगा विवेचना करने, आप समझिए, पैसा तो लंदन के विदेशी खाते में गया है। तो ये एटीएम फ्रॉड पुलिस के लिए साइबर, और क्योंकि साहब आज नॉर्मल अपराध भी तुम नहीं खोल सकते इसके बिना। किडनैपिंग में क्या हो रहा है, इंटरनेट से कॉल आ रही है साहब, कैसे, 3 डिजिट के नंबर से कॉल आ रही है। हमारे उत्तर प्रदेश में आपने केस सुना होगा, बड़ा मशहूर हुआ था, DGP साहब के नंबर से इंस्पेक्टर पे कॉल आई, अभी सुना था, याद है, मतलब मैं आपको इनके नंबर से अभी कॉल कर सकता हूँ बिना इनका फोन छुए, आपकी CDR में इनका नंबर नहीं दिखेगा और इनकी CDR में आपका नंबर दिखेगा। इसे VOIP कहते हैं, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, एक छोटी सी टेक्निक है मोबाइल के ऊपर उपलब्ध है, जिसकी मदद से मैं किसी के भी नंबर से किसी को भी कॉल कर सकता हूँ, और ये अपराधी इसका फायदा उठा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारे लिए मोबाइल नंबर ट्रेस करना इजी है, पुलिस के लिए CDR निकाल लो, लोकेशन ले लो, लेकिन इंटरनेट से अगर एक कॉल बनाई जाए जिसमें 3 डिजिट या 16 डिजिट के नंबर दिखाए जाए, तो हमारे लिए क्या है, वो चैलेंज है, क्या है,
चैलेंज है। तो अपराधिक घटनाएं ये बढ़ी है और बढ़ने के साथ साथ इसको ये देखा गया है कि जो करने वालों का स्तर है वो बहुत यंग लोग कर रहे हैं साइबर अपराध। डब्ल्यू आता है वो हैकिंग क्या करेगा, और आजकल ये छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, हैकिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लखनऊ में 22 बैंक अकाउंट हैक हुए थे, 18 लाख की ऑनलाइन शॉपिंग हुई, जिसको मतलब बाजी के साथ होगी देखिए डेबिट कार्ड हुआ, क्रेडिट कार्ड हुआ, ये प्लास्टिक की फोटो कॉपी बना लेते थे अपराधी। ये अपराध बढ़ रहे हैं जब ये सोशल मीडिया का तो खैर मिसिंग नहीं बहुत ज्यादा अश्लील तस्वीरों का आदान प्रदान कर रहे हैं, ये बच्चों का नया शौक बन गया है। कोई एक दिन नहीं आता है जिस दिन कंप्लेन ना आती हो कि साहब कोई मेरी पर्सनल तस्वीरें लीक कर रहा है। कौन सी तस्वीरें, और ऑब्सिनिटी पोर्नोग्राफी हमारे देश में अपराध भी है, IT एक्ट में भी लिखा हुआ है, और बच्चे मानते नहीं है और वो शिकार हो जाते हैं साहब। पहले तो बॉयफ्रेंड से उन्हें प्यार हो जाता है, उनको फोटो शोटो भेज देते हैं, और फिर जब वो ब्रेकअप होता है या शादी टूटती है तो फिर ये सारी तस्वीरें कहाँ आने लगती है, नेट पे जाने लगती है, और हमारे यहाँ क्या बन जाता है, आपराधिक मामला दर्ज हो जाता है। लड़की या लड़की वाले आके हमारे यहाँ कंप्लेन कराते हैं या लड़का कराता है कि साहब कोई मुझे बदनाम कर रहा है। तो ये 2-3 केसेस हैं जो मेजर हमारे यहाँ रहते हैं। इन्वेस्टिगेशन आज की तारीख में सारी कंपनियाँ फेसबुक हो, गूगल हो, और तुम्हारा ये क्या होता है इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब हमारे साथ, हमारी पुलिस के साथ एक साझगांठ है उनकी, अंडर सेक्शन 91 CRPC, वो हमारी मदद करते हैं और हमें उस कल्प्रिट तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। तो अगर हम जैसे अभी एक केस करें कि भाई ये हमारी कंप्लेंट है, फलानी किसी ने नकली ID बना के हमको गाली दी है या गलत गलत डाला है, तो उसे ट्रेस करना कोई बहुत चैलेंजिंग काम नहीं रह गया है। सिर्फ दिक्कत क्या है कि हमें उससे कोऑर्डिनेशन बनाना है, पहली चीज। पकड़ना आसान है, प्रूफ करना कोर्ट में, उसके लिए दो चीजें बड़ी जरूरी है आज हमारी पुलिस को सीखना। एक सीजर, सीजर मतलब जो हम बरामदगी करेंगे, जब हम मुजरिम को हमने ट्रेस करा, कैसे ट्रेस करा, मैंने फेसबुक को लीगल चिट्ठी भेजी, मैंने भाई ये नकली प्रोफाइल बनाई है किसी ने, उन्होंने कहां पहुंचा दिया तुम्हें, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पे, कहां पहुंचाया, इस फलाने जन आदमी IT एक्ट में सेक्शन 79A के मुताबिक 3 अधिकृत लैब्स हैं इंडिया में, पूरे भारत में। एक गुजरात फोरेंसिक यूनिवर्सिटी, सॉरी गुजरात फोरेंसिक लैब गांधीनगर, दूसरी सेंट्रल फोरेंसिक लेबोरेटरी हैदराबाद, और तीसरी फ्रॉड फोरेंसिक यूनिट दिल्ली। ये 3